इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीके से बताने वाला हूँ कि मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसा क्या करते हैं जिनकी वजह से वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करते हो, हेल्थ से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, कुछ भी ए टू जेड एक्शन लेते हो, वो फीलिंग्स और इमोशन के बेस पर नहीं लेते हो, यानी मेंटली वीक नहीं होते हो, जो आपको लगता है कि ये आपके लिए और आपके आसपास में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए एकदम सही है, उसके बेस पर एक्शन लेते हो, तब आप मेंटली स्ट्रांग हो। मेंटली स्ट्रांग लोग अपना वक्त इस बात को बार बार सोचने में नहीं देते हैं कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, या फिर उसे मेरे साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने मुझे इस तरह से कैसे कह दिया। वो रोते नहीं है इस बात को लेकर कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। वो इस चीज को समझते हैं कि लाइफ का ग्राफ सीधा नहीं चलता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और अच्छा बुरा कैसा भी टाइम हो वो अपना रोल प्ले करते हैं। ये लोग अपनी जिंदगी की डोर, अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं देते हैं। ये इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि अगर चाहो तो चॉइस अपने ही हाथ में है, कोई नहीं रोक रहा, सिवाय कुछ डर और इमोशंस है जिनकी वजह से आप दूसरों के कंट्रोल में हो। और ये लोग दूसरों को कभी नहीं बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर इंसान जो है मुझे बहुत परेशान करता है, या फिर इसने मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील कराया, क्योंकि इससे सामने वाले को ही यह लगता है कि आपको दूसरे लोग ही कंट्रोल करते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग चेंजेस से भागते नहीं है, वो हमेशा बदलाव के लिए रेडी रहते हैं, उसे वेलकम करते हैं। ये लोग इमोशनली किसी भी चीज से, किसी जगह से, किसी टाइम से, किसी इंसान से इतनी बुरी तरह से अटैच नहीं होते हैं कि बाद में उससे दूर जाने के बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी देखनी पड़े। ये लोग अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट नहीं करते हैं जो चीज़ वो नहीं बदल सकते। आपको मेंटली स्ट्रांग लोगों के मुंह से ये बहुत मुश्किल से सुनने को मिलेगा कि यार ये ट्रैफिक इतना जाम क्यों है, ये मौसम ऐसा क्यों है, ये पॉलिटिक्स ऐसी क्यों है। वो सिर्फ उन पर ध्यान देंगे जिनको वो बदल सकते हैं, या जिनके ऊपर वो काम करके अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं। ये लोग दूसरों को ज़्यादा प्लीज नहीं करते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग इस बात को मानते हैं कि उन्हें दूसरों की बार बार ज़्यादा ग्रज करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मुझे किसी काम को करने के लिए मना करते हो तो फिर मैं उस काम को खुद करके सीखता हूँ, और जहाँ जरूरी है वहाँ ना बोलते हैं। अगर आपकी समझ कहती है कि उसे नो कहना ज़्यादा सही है आपके लिए भी और सामने वाला जो भी है उसके लिए भी, तो नो सही है। और मेंटली स्ट्रांग लोग नो इस तरह से कहते हैं कि सामने वाले को बुरा फील भी नहीं होता है, जो कि एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का ही पार्ट है। ये लोग एक ही गलती बार बार नहीं करते हैं। तो पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ कि बार बार गलती वही लोग करते हैं जो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उससे कुछ सीखते नहीं हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग समझते हैं कि हाँ यार मेरी गलती है इसमें, उसे सीख कर आगे बढ़ जाते हैं, उसे दोबारा नहीं करते हैं। वो कहते हैं ना कि गलतियाँ खूब करो लेकिन कोई भी गलती उसमें से रिपीट नहीं होनी चाहिए। मेंटली स्ट्रांग लोग रिस्क लेने से पहले इस बात को क्लियर कर देते हैं कि बुरे से बुरे क्या होने वाला है, कि इस रिस्क को अगर मैं लूंगा तो मेरी लाइफ में बुरे से बुरे क्या होगा, उसके लिए वो रेडी रहते हैं। ये लोग बेवकूफों की तरह रिस्क नहीं लेते हैं, अच्छे से एनालाइज करके रिस्क लेते हैं। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि रिस्क भी तरीके से लिया जाता है। पहले ये डिसाइड करते हैं कि इस रिस्क को लेने के बाद में बुरे से बुरा क्या होगा, क्या उसको हम फेस कर सकते हैं, और अगर अच्छे रिजल्ट्स आए तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाएगा। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। ये लोग दूसरों की सक्सेस से जलते नहीं हैं। जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं ये लोग समझते हैं इस बात को कि उसने मेहनत की है, वो लकीर का फकीर नहीं है, उसने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में तब उसने ये सक्सेस हासिल की है। अगर मैं करता या फिर कोई और करता तो उसको भी ये चीज़ मिल जाती, उसको भी ये जगह, ये पोजिशन मिल जाती, वो भी हासिल कर सकता था। वो इस बात को समझते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग पास्ट में रोते नहीं हैं। ये लोग पास्ट से जो भी सीखा है उसे प्रेजेंट में यूज़ करते हैं ताकि फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकें। ये लोग कास्ट को लेकर नहीं बैठते हैं कि काश ऐसा हो गया होता वगैरह। ये लोग पास्ट में एक्सपीरियंस के खजाने से काम की चीज़ उठाकर प्रेजेंट में ध्यान देते हैं और दबाकर फोकस करते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग पहली हार के बाद में रुकते नहीं हैं। ये एक नंबर की कह सकते हैं कि हाथ धोकर ही पीछे पड़ने वालों में से एक होते हैं। ये लोग समझ रखते हैं कोई भी इंसान सक्सेस हुआ है वो एक ही बार में नहीं हुआ है। अगर सक्सेसफुल लोगों के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि लोग न जाने किस किस कंडीशन से निकल कर भी वो नहीं रुके हैं, और फिर लोग नहीं रुकते हैं उनके बारे में जानने के लिए। तो यार यही है कि एक ही बार में अगर सक्सेस हो गए तो आपको कुछ भी पता नहीं लगा,
अगर 10 बार गिरे तो आपको पता लगा कि यहाँ 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 खड्डे हैं और आपको पता है कि इस तरह से इन खड्डों से बचा जा सकता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था कि मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने बस ऐसे रास्ते खोज लिए हैं जो काम नहीं करते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग अकेले होने से डरते नहीं हैं। आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे, क्या पता उसमें से आप भी हो या नहीं, जो अकेले होने से डरते हैं। वे बार बार किसी के साथ रहने की कोशिश करते हैं, दिमाग में जो आ रहा है उससे भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी थॉट बहुत ज़्यादा बार बार दिमाग में आ रहा है उसे आप ठीक है कुछ वक्त के लिए भगा सकते हो, लेकिन कभी ना कभी उसके बारे में अच्छे से अकेले में सोच कर सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। मेंटली स्ट्रांग लोग जो होते हैं वो खुश होने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं कि यार अगर ये मेरे साथ में खुश रहेगा, ये मेरे साथ में अच्छे से बात करेगा, ये मेरे साथ में टाइम स्पेंड करेगा तो मुझे खुशी मिलेगी। ये लोग दूसरों से कनेक्शन रखते हैं लेकिन अकेले में भी मस्त रहते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। ये लोग ऐसा फील नहीं करते हैं कि दुनिया जो है वो इनका ध्यान देगी। मेंटली स्ट्रांग लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि लोग आकर उनका ध्यान दे, उनका भला सोचे, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई अगर नहीं सोचे तो वो परेशान होने बैठते नहीं है, वो रोने बैठते नहीं है। मेंटली वीक लोगों की ये लाइन होती है कि यार मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा तो कोई भी ध्यान नहीं देता वगैरह। और सबसे आखिर में है जो बहुत काम का पॉइंट है, मेंटली स्ट्रांग लोग इस चीज़ की उम्मीद नहीं रखते हैं कि हाथों हाथ रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बिजनेस में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, कहीं पर भी अगर कोई भी चीज़ या आदत बदलनी है या फिर कोई भी स्किल इम्प्रूव करनी है या फिर कोई भी आइडिया जो है उस पर काम करना है, उस पर ये उम्मीद लगाकर नहीं बैठते हैं कि वो एक ही बार में काम कर जाएगी, वो एक ही बार में रिजल्ट्स दे देगी। चलो इसी बात में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। कोका कोला कंपनी ने शुरू के पहले साल में केवल 25 बोतल ही बेची थी, लेकिन फिर भी उस कंपनी ने हार नहीं मानी। थॉमस अल्वा एडिसन ने 999 बार ट्राई करने के बाद में बल्ब का आविष्कार किया। KFC के ऑनर कर्नल सैंडर्स को 1009 बार रिजेक्शंस मिले, उसके बाद में उनको सक्सेस मिली। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर आप कुल मित्र चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको और आगे देखने को मिलेंगे। तो यार अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कुल मित्र सर्च करके फॉलो कर दीजिए, वहाँ भी मैं वीडियोज़, फोटोज़, कुछ ना कुछ अपडेट डालता रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने की वजह से ही मुझे ये पता लगता है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। मुझे इस तरह की वीडियोस आगे भी बनानी चाहिए, और आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे, कोई वीडियो छूटे ना आपसे, और आप चाहते हो कि मेरी वीडियोस को सबसे पहले देखें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ कोई छूटे ना। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। बाय।